जी दोस्तों, सुपरस्टार अजय देवगन के अपकमिंग फिल्म सिंघम 3 को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी मेगा ब्लॉकबस्टर सीरीज सिंघम, जिसके फर्स्ट पार्ट में अजय देवगन के साथ में हमें काजल अग्रवाल देखने को मिली थी, वही सिंघम 2 में अजय देवगन के साथ नजर आई थी करीना कपूर। लेकिन दोस्तों, जब से ये अनाउंसमेंट हुई है कि अब सिंघम 3 यानी कि सिंघम अगेन बनने वाली है, जब से ही अजय देवगन के फैंस और सिंघम 3 के जितने भी फैंस है, सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर सिंघम 3 में कौन सी हीरोइन नजर आएगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सिंघम फिल्म के जो डायरेक्टर है रोहित शेट्टी, उन्होंने आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है कि अजय देवगन के सिंघम 3 में अजय देवगन के साथ पहली बार नजर आएगी दीपिका पादुकोण। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, दीपिका पादुकोण सिंघम 3 में नजर आने वाली है, जो कि एक पुलिस का कैरेक्टर होने वाला होगा। यानी कि दोस्तों, सिंघम 3 में अजय देवगन भी पुलिस वाले रहेंगे, वही दीपिका पादुकोण भी पुलिस वाली का ही कैरेक्टर प्ले करेगी। बता दें दोस्तों, सिंघम 3 के बाद दीपिका पादुकोण की एक सोलो फिल्म भी आएगी, जिस तरह सिम्बा और सूर्यवंशी आई थी, उसी तरह यहां पर दीपिका पादुकोण की भी एक लेडी पुलिस ऑफिसर वाली फिल्म बनेगी। तो दोस्तों, काफी अच्छी बात है कि पहली बार अजय देवगन और दीपिका पादुकोण हमें एक फिल्म में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इससे पहले बॉलीवुड की किसी भी फिल्म में अजय देवगन और दीपिका पादुकोण एक साथ देखने को नहीं मिले थे। तो आप कितने एक्साइटेड है दीपिका पादुकोण और अजय देवगन की जोड़ी को सिंघम 3 में देखने के लिए, कमेंट करके जरूर बताएं। और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।